नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें हम देखेंगे 29 अगस्त 2019 के MP डेली करंट अफेयर्स का वीडियो। इस वीडियो के MCQ प्रैक्टिस आप हमारे MP GK डैश मोबाइल ऐप पर कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों, हमारे द्वारा 21 से 28 अगस्त तक के MCQ अपलोड कर दिए गए हैं, जिसकी आप प्रैक्टिस कर लें। और आइए शुरू करते हैं इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। भोपाल में राज्य स्तरीय भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन कब से कब तक किया जाना है? इस प्रतियोगिता का आयोजन जो किया जाना है वह 29 से 31 अगस्त 2019 तक किया जाना है। मध्य प्रदेश खेल एवं युवक कल्याण विभाग द्वारा 29 से 31 अगस्त तक TT नगर स्टेडियम भोपाल में राज्य स्तरीय वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। आजाद बांसुरी बाल नाट समारोह का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आजाद बांसुरी बाल नाट समारोह का आयोजन किया जाएगा शहीद भवन भोपाल। दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे जाने लगे हैं आपके मध्य प्रदेश के एग्जामों में, कि कोई बड़ी जगह होती है और उसके छोटे जगह का नाम शामिल कर लिया जाता है और ऑप्शन में दे दिया जाता है। इसकी डिटेल देखते हैं हम। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की स्मृति में स्वराज संस्थान संचालन द्वारा 3 एवं 4 सितंबर 2019 को शहीद भवन भोपाल में आजाद बांसुरी बाल नाट समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इसमें 3 सितंबर 2019 को जो नाटक है बासंग बापू, जिसके निर्देशक हैं ये विष्णा चौहान निर्देशिका हैं, और अवंती बाई निर्देशक जिसकी संजय गर्ग हैं, वह 3 सितंबर को इसका आयोजन होगा। वहीं 4 सितंबर 2019 को मंदिर की ज्योत, जिसकी निर्देशिका है शोभा चटर्जी, का नाटक प्रदर्शित किया जाएगा। समारोह में प्रवेश निःशुल्क रहेगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से सस्ती दर पर राशन ले रहे हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन कराने के लिए मध्य प्रदेश में कब से कब तक विशेष अभियान चलाया जाएगा? दोस्तों, जो भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत यानी सस्ती रेट पर ये जो भी हितग्राही हैं, फर्जी BPL बनवाकर या अन्य जो 25 कैटेगरी हैं उसके अंतर्गत कार्ड बनवाकर फर्जी तरीके से राशन ले रहे हैं, उसके लिए मध्य प्रदेश शासन विशेष अभियान जो चला रही है 5 सितंबर से 29 अक्टूबर तक चला रही है। इसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली से सस्ती दर पर राशन ले रहे हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन कर अपात्रों का नाम काटे जाएंगे, इसके लिए मध्य प्रदेश में यह अभियान चलाया जाएगा। इसकी डिटेल और देखते हैं हम। ये जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत 25 श्रेणी के परिवारों को समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन के पोर्टल पर सत्यापन के बाद राशन दिया जाता है। दोस्तों, इसमें दो दो सदस्यीय टीम बनाई गई है और 200 परिवारों का निरीक्षण करेगी, यदि उनमें अपात्र या पात्र मिले उनके जो है वो राशन कार्ड रद्द कर दिए जाएंगे। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश सिविल सेवा पेंशन नियम 1976 के अधीन मामलों के निराकरण के लिए गठित मंत्री परिषद समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? ये जो मंत्री समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं, सामान्य प्रशासन मंत्री हमारे कौन हैं? डॉक्टर गोविंद सिंह, जो कि लाहर भिंड से चुन के आते हैं। इसमें हम देखते हैं कि ये इस समिति को मंत्री परिषद की शक्तियां प्राप्त होंगी। समिति में मंत्री वित्त योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी तथा संबंधित विभाग के मंत्री को सदस्य नामांकित किया गया है। समिति के समक्ष मध्य प्रदेश सिविल सेवा पेंशन नियम 1976 के नियम 8 एवं 9 के अधीन सभी मामले प्रस्तुत किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2019 में से पंजाबी साहित्य अकादमी द्वारा कौन सा पुरस्कार शुरू किया जा रहा है? दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पंजाब साहित्य अकादमी द्वारा ये पंजाब गौरव सम्मान जो है शुरू किया जा रहा है वर्ष 2019 से। मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग के अंतर्गत संचालित पंजाबी साहित्य अकादमी के इस वर्ष 2019 से पंजाबी गौरव सम्मान शुरुआत करने जा रही है। यह सम्मान उन लोगों के लिए दिया जाएगा जिन्होंने साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है। इस साल यह सम्मान पंजाबी साहित्य में रचनात्मक अवदान अथवा उनकी कृति विशेष के लिए प्रदान किया जाएगा। इसमें सम्मान में 51,000 रुपये की राशि दी जाएगी। यह आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब बात करेंगे हम
जो कल के अभ्यास प्रश्न पूछा गया था आपसे कि 29 अगस्त 2019 को फिट इंडिया मूवमेंट के अंतर्गत कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दूरदर्शन पर कब से कब तक किया जाएगा। वैसे यह नेशनल क्वेश्चन है लेकिन आपके मध्य प्रदेश से भी संबंधित है। प्रातः 10 बजे से 11 बजे तक इसका प्रसारण किया जाएगा। इसकी डिटेल शारीरिक गतिविधियों एवं खेल कूद को नागरिकों की दैनिक जीवन का अंग बनाने के लिए खेल दिवस 29 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फिट इंडिया मूवमेंट का शुभारंभ करेंगे। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण 10 से 11 बजे तक किया जाएगा। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री द्वारा फिटनेस शपथ दिलाई जाएगी। खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है दोस्तों, इसी दिवस पर ये प्रधानमंत्री इसका शुभारंभ करने जा रहे हैं फिट इंडिया मूवमेंट। हम बात करेंगे आज के क्वेश्चन की। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि खजुराहो नृत्य समारोह 2019 कब से कब तक मनाया गया। आपके पास चार ऑप्शन है, 10 से 26, 19 से 28, 20 से 26, 10 से 16 फरवरी। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों। और आपको वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो आप लाइक ज़रूर कर दिया करें। सबसे पहले आप देखा करें तो लाइक ही वीडियो को कर दिया करें दोस्तों, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़ता है। और इसके हमने MCQ जल्द ही अपलोड कर देंगे, वैसे अभी जो किए हैं पिछले 8-10 दिन के, तो उसकी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। इसके PDF जो है वो सारी मंथली का वीडियो आपको मिल जाएगा, इसकी लिंक भी हम जल्द ही दे देंगे 31 अगस्त के बाद। तो हमारा यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।